नमस्कार मित्रों, बोधि संजीवन बोल रहा हूँ। आप जो ये देख रहे हैं ये शानदार क्रिसैंथेमम जायंट्स फ्लावर को, ये मेरा जो संजीवनी चैनल में सौरेंद्रनाथ घोष जो बहुत बड़ा ग्रोवर है चंद्रमल्लिका का, वो सारा बरस ये चंद्रमल्लिका कैसे ग्रो करा जाता है वो सिखाया। आप लोग हर महीना में कमेंट करते रहते हैं कि हिंदी में बताइए, इसलिए हमारा जो हिंदी चैनल बोधि संजीवन ब्लॉग्स में आपको दिखा रहे हैं कि कोई कोई आदमी ऐसा होता है कि बंगाली एकदम समझ में नहीं आता है उनका, उनके लिए ये हिंदी में थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी हिंदी अच्छा नहीं बोल पाते हैं, आप लोग जो लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है वो मेरे को क्षमा कीजिएगा। ये देखिए, ये है क्रिसैंथेमम पॉम्पॉन, कितना बड़ा वॉल्यूम में है और कितना फ्लावर है। कम से कम एक एक पॉट में 1,500 से 2,000 फ्लावर है, और फ्लावर का अलग अलग वैरायटी का आप नज़दीक से देखिए कितना सुंदर। ये सिर्फ आप लोगों का बार बार बोलने के बाद ये मैं साहस जुटा पाए कि हिंदी में थोड़ा कोशिश करना। ये देख रहे हैं जो बहुत बड़ा क्रिसैंथेमम ग्रोवर वेस्ट बंगाल का सौरेंद्रनाथ घोष महाशय। सौरेंद्र भी हिंदी अच्छा नहीं बोल पाते, इसलिए थोड़ा शर्मा रहे हैं। आप सिर्फ फ्लावर को देखिए, लैंग्वेज का छोड़िए, देखिए कितना सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें जो केयरिंग है वो बंगाली SONJIBANY, ये संजीवनी चैनल में एक अलग प्लेलिस्ट करके हम पूरा सारा बरस वीडियो किए, आप वो देख देख के उसमें जो फीडिंग चार्ट है वो देख लेना। बाद में समय मिले तो मैं हिंदी में भी इस बरस थोड़ा थोड़ा क्या क्या करना है, कौन समय क्या करना है, क्या खाद देना है, सब बताने का कोशिश करेंगे। देखिए इनका जो मेन सब्जेक्ट है ये चंद्र क्रिसैंथेमम जायंट्स, जिसको बंगाली में चंद्रमल्लिका बोला जाता है। ये एक एक वैरायटी का एक एक नाम है, आप देखिए एक बहुत बड़ा काम है ये फ्लावर को खिलाना, साधारण काम नहीं। जैसा पहले छोटा वाला वैरायटी आप देखे हैं, ये भी चंद्रमल्लिका अर्थात क्रिसैंथेमम है, लेकिन ये जो कोई आदमी कर लेगा, लेकिन क्रिसैंथेमम जायंट्स करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा और अच्छा तरीक़ा से करना, जैसा एग्जीबिशन क्वालिटी वाला वैरायटी वो करने के लिए आपको ध्यान से सीखना होगा। और एक बार आप ये सीख लेंगे तो आपको ये फ्लावर का जो लाभ जो प्रेम है उसमें आप पूरा ज़िंदगी भर इसमें जुड़ा रहोगे। ये सौरेंद्रनाथ घोष पूरा प्यार से, कोई बिजनेस का काम नहीं करते, ये सिर्फ उनका ये प्यार और उनका पैशन। सारा बरस ये जब फ्लावर ख़त्म हो जाएगा इसको मादर रख के इसको मेंटेन करना, मादर को फिर वो मादर से काटिंग करके एकदम ये फ्लावर ख़त्म होते ही होते उनका काम शुरू हो जाएगा अगले बरस के लिए। और हर विंटर में ये जो रूफटॉप गार्डन है ये क्रिसैंथेमम फ्लावर से भरा रहते हैं, जैसा एक स्वर्गों को वो ये छत पे ले आते हैं। हम बंगाली चैनल में जो वीडियो छोड़ रहा हूँ उसमें इस वैरायटी का अलग अलग नाम आप देख लीजिएगा, संजीवनी में देख लीजिए कितना अजीब और कितना सुंदर। ये प्रकृति बोलिए कि भगवान बोलिए, उनका एक अजीब सृष्टि। और देखिए ये जो क्रिसैंथेमम जायंट्स का जो पत्ता है, ये पत्ता एकदम
ठीक ठाक रखना ये बहुत बड़ा एक मुंशियाना है, मतलब बहुत बड़ा काम है, साधारण काम नहीं, क्योंकि ये पत्ता नष्ट हो जाता है। और ये फ्लावर को तैयार करने के लिए आपको ये शेड देना पड़ेगा, क्योंकि बारिश होने से ये नष्ट हो जाता है और जो फॉग होता है उसमें भी नष्ट हो जाता है। इसलिए ये फ्लावर आपको करने का मन होगा तो ज़रूर एक शेड बना लीजिएगा। आपको ये पूरा कंप्लीट दिखा दिए, और ये वैरायटी अभी ख़त्म हो गया और बहुत अच्छा क्वालिटी वाला 10-15 जो पॉट अब आज कोई आदमी फ्लावर एग्जीबिशन में ले गए। बहुत दिन से ये बंगाल का हर फ्लावर कंपटीशन में प्राइज लिए, अभी नहीं जाते हैं। और इस बार घर में शादी का प्रोग्राम था, इसलिए समय नहीं दे पाए, इसलिए बार बार बोल रहे थे कि अच्छा फ्लावर नहीं होगा। तब भी हमारा जो दृष्टि है उस दृष्टि से देख रहे हैं कि एक जैसा ही हुआ है, बहुत सुंदर। मेरा तो ये रूफटॉप गार्डन में आके पूरा आनंद से मैं पूरा एकदम भरा हुआ हूँ। ये क्रिसेंथेमम जायंट्स का ये वीडियो देख के कैसे लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान आपका मंगल करे। प्रणाम।